मंगलवार दोपहर को भाजपा के नेता अपने गांव की समस्याओं को लेकर नगर निगम कमिश्नर को मिलने के लिए आए थे। जब वह अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे तो इस दौरान भाजपा प्रवक्ता गौरव गोयल की पीए जतिन सैनी के साथ बहस हो गई और भाजपा नेता ने उनके पीए को थप्पड़ जड़ दिया। वहीं इसी कड़ी में भाजपा नेता गौरव गोयल की ओर से निगम कमिश्नर के पीए को थप्पड़ मारने का मामला अब गर्मा गया है। नगर निगम के सभी कर्मचारियों ने इसको लेकर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। नगर निगम के कर्मचारी आरोपी भाजपा नेता के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, जबकि कर्मचारी यूनियन की ओर से यह ऑफर भी दिया है कि भाजपा प्रवक्ता गौरव गोयल सामूहिक तौर पर माफ़ी मांगे। अगर वह माफ़ी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। लेकिन दोपहर तक भाजपा अपने नेता द्वारा माफ़ी मंगवाने का निर्णय नहीं ले पाई। वहीं नगर निगम परिसर में कर्मचारियों की ओर से भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की गई। भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने इस पूरे मामले में पार्टी कार्यालय में बैठक बुलाई है। बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि उनका नेता माफ़ी मांगेगा या नहीं। चंडीगढ़ से वॉइस आजकल के लिए आकृति वर्मा की रिपोर्ट।